नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष तिवारी, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हायर के रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगा हुआ है। इसको साइड बाय साइड बोलते हैं। क्या इसके फीचर्स एंड बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे? अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। चलिए इसका लुक आप देख ले। ये आप देख सकते हैं हायर का रेफ्रिजरेटर रहेगा, 630 लीटर्स के अंदर रहेगा, मैट ब्लैक फिनिश के अंदर रहेगा। अगर आप इसका लुक देखते हैं तो काफी प्रीमियम लुक आएगा। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, मेड इन इंडिया रहेगा, इंडिया फर्स्ट, मैट ब्लैक फिनिश के अंदर रहेगा आपका। अभी मैं इस जो पार्ट को ओपन कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट रहेगा, आप किसी भी साइड बाय साइड पैटर्न में जाएंगे तो जो इसका राइट साइड वाला होता है वो आपका पूरा फ्रीज सेक्शन होता है, एंड लेफ्ट साइड वाला आपका पूरा फ्रीजर सेक्शन होता है। इसकी एक खास बात अगर आप देखेंगे तो हायर का रेफ्रिजरेटर जो मेरे पीछे लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये इंडिया का पहला रेफ्रिजरेटर ऐसा है कि जो आप साइड बाय साइड में इस वाले पूरे पोर्शन को कन्वर्टेबल कर सकते हैं। तो ये जो इसका फ्रीजर सेक्शन है, एज आप इसको फ्रीज यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना है कि जो हमारे ये फ्रीजर सेक्शन है इसको एज अ फ्रीज यूज कर सकते हैं। अदर आप देखेंगे तो सभी में आपको ये फ्रीज सेक्शन मिलेगा या फ्रीजर मिलेगा, वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बट आपको हायर के रेफ्रिजरेटर में इस वाले पैटर्न को आप पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट होगा हम इसमें आगे चलेंगे, और वीडियो पे अगर आप अभी तक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये रहेगा 630 लीटर के अंदर। अगर मैं आपकी फ्रीजर सेक्शन फ्रीज सेक्शन की बात करूंगा, ये जो हमारा फ्रीज कंपार्टमेंट है, तो आप अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ इसमें आपको एलईडी लाइट देखने को मिलेगी जो कि प्रॉपर व्यू देती है। यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट रखा, यहाँ सामान रखा, यहाँ सामान रखा, ये हमारे वेजिटेबल एंड फ्रूट आपको बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऊपर से जो लाइटिंग होती है प्रॉपर व्यू मिलती है, हर एक सेगमेंट में आपको प्रॉपर व्यू मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको मैजिक कूलिंग एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में मिलेगा। इसका बेनिफिट रहता है, आप देख सकते हैं बैक साइड में, ये जो आप डक देख रहे हैं, पीछे डक देख रहे हैं, तो क्या होगा जब हम यहाँ पे सामान रखते हैं तो बैक साइड से प्रॉपर कूलिंग होती है। ये जो कूलिंग का डक मिलेगा आपको हर एक सेल्फ के अंदर देखने को मिल जाएगा, यहाँ ऊपर भी है, नीचे भी है, एंड यहाँ आपको सामने देखने को भी मिल जाएगा। बाकी अगर हम इसकी वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल बॉक्स जो इसका काफी बड़ा दिया है, यहाँ पे आप काफी फल और सब्जी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ भी आप एक देख सकते हैं, ये भी काफी बड़ा बॉक्स दिया, तो इसके अंदर भी आप अपने फल और सब्जी को स्टोर कर सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप यहाँ पे वेजिटेबल्स ही रखें, यहाँ पे फ्रूट भी रखें, आप इस कंपार्टमेंट में कहीं भी अपने वेजिटेबल एंड फ्रूट को रख सकते हैं। बाकी आप साइड में डोर का स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 रैक देखने को मिल जाती है, जो भी हमारी पानी की बोतल्स वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 5 सेल्फ है, काफी अच्छा स्टोरेज है, फ्रीज सेक्शन का रहेगा। और हम फ्रीजर की बात करेंगे तो ये हमारा पूरा फ्रीजर सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जैसे इसमें आपने फ्रीज सेक्शन में देखा था, यहाँ भी आपको एलईडी लाइट ऊपर देखने को मिल जाएगी, मैजिक कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी ये भी मिलेगा आपको। हर एक सेक्शन के अंदर इसमें भी आपको कूलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चाहे ये सेल्फ हो या ये सेल्फ हो, जो आप ये देखते हैं ये आपको टफन एंड ग्लास में देखने को मिलता है। हैवी होता है, ब्रेकेबल नहीं होता, ये 175 kg तक इस पर आप रख सकते हैं वेट को, काफ़ी हैवी होती है सेल्फ। दो सेल्फ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं तो आइस प्लस मेकर रहेगा, ये काफी बड़ा आइस मेकर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि 48 आइस क्यूब आप इसमें मेक कर सकते हैं वन टाइम में, तो काफी अच्छा स्टोरेज रहेगा। जैसे घर में शादी पार्टी वगैरह है तो आइस क्यूब की नीड ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बर्थडे वगैरह किसी का, तो इसमें आप इसके नीचे स्टोर कर सकते हैं इसको, यहाँ पे काफी सारी क्वांटिटी में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बाकी उसके नीचे देखेंगे तो हमारा ये फ्रीजर बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें हमारे आइसक्रीम वगैरह होगी, इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये इसका काफी बड़ा बॉक्स है, फ्रोजन है, अगर आप नॉन वेज वगैरह यूज करते हैं तो आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रीजर बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ भी आपको ये मेंशन है आइसक्रीम वगैरह रखने के लिए, या आप नॉन वेज वगैरह यूज करते हैं, ड्राई फ्रूट, सूखे मसाला, पिज्जा बेस वगैरह, तो ये पूरा फ्रीजर सेक्शन में आप रख सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें फ्रीजर सेक्शन में रख सकते हैं। इसमें जैसे मैंने कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो हायर का रेफ्रिजरेटर है, इंडिया का फर्स्ट ऐसा रेफ्रिजरेटर है साइड बाय साइड में, जो कि आप इसको फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं फ्रीजर को फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करना है। वीडियो को
चलिए हम फ्रीजर के बारे में जान लेते हैं, फ्रीजर को कैसे हमें फ्रिज में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जो कि एक वेरिएबल स्पीड में वर्क होता है। इसका बेनिफिट रहता है लेस एनर्जी कंज्यूम करता है आपका। दूसरा ऑप्शन आपको जो मिलेगा फ्रीज लिखा हुआ है, फ्रीज हमारा ये वाला सेक्शन हो जाता है और फ्रीजर हमारा ये वाला सेक्शन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी, आप अगर आप फ्रिज का टेम्परेचर देखेंगे तो 4 डिग्री पे मेंशन है यहाँ पे आपको। अभी चाइल्ड लॉक लगा हुआ है तो मैं इसको 3 सेकंड तक होल्ड करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर, अब ये अनलॉक हो गया। फ्रीजर का भी टेम्परेचर मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, फ्रिज सेक्शन का भी कर सकता हूँ। ये जो सेक्शन हो गया हमारा फ्रिज हो गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको 9 डिग्री से लेके आप मिनिमम पे जाएगा, ये आपको 1 डिग्री तक काम करेगा ये इस तरीके से। उसके बाद इसमें बेस्ट पार्ट जो ये भी रहेगा कि आप अपने फ्रीज सेक्शन को भी बंद कर सकते हैं। इसमें ये भी बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आपको फ्रीज सेक्शन यूज नहीं करना है तो इसको आप बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ये फ्रीज सेक्शन बंद हो गया। उसके बाद अगर हम आप इसके जानेंगे कि कैसे हम अपने फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करिए तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा फ्रीजर सेक्शन लिखा है, 3 सेकंड तक इसको आप प्रेस रखेंगे, 3 सेकंड तक होल्ड रखना है इसको आपको। 3 सेकंड तक होल्ड रखता हूँ मैं फ्रीजर को। ये अब आपका कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये 5 डिग्री मेंशन कर रहा है। आप 5 डिग्री को कम ज्यादा कर सकते हो, 4, 3, 2, 1। ये अभी आपका कन्वर्ट हो चुका है ये पूरा, अभी माइनस में जाएगा फ्रीजर सेक्शन में। दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा तो जो आपका फ्रीजर सेक्शन है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से पूरा। और इसकी जैसे मैंने इसको पैनल को बताया, आई होप आपको ये कन्वर्ट करना इजीली आ गया है, इसके फीचर एंड बेनिफिट आपको पता लग गए हैं। 630 लीटर के अंदर ये था। आपको वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करके जरूर जाना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस तरीके से आप प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसी तरीके के और भी SBS के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।